Hello everyone, I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar and welcome you all to CA Foundation. I on behalf of VSmart welcome you all for CA Foundation curriculum. Chartered Accountancy mein aapko already pata hai ki foundation level ke exam pe aapko 4 subjects hai. Okay, Principles and Practice of Accounting for 100 marks, Business Law, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग फॉर 100 मार्क्स, ठीक है, BCR, ठीक है, ऐसा कहते हैं मोस्टली, एंड बिजनेस लॉज, देन बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर 60 मार्क्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स. यस, ऑलराइट, 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है. It is not an easy subject, but I'll make sure कि ये आपके लिए सबसे easy और सबसे favorite subject बन के आए. मैं एक senior chartered accountant हूँ, fellow chartered accountant. I'm a licensed company secretary. CA के बाद diploma in information system audit एक exam होता है. I'm a DISA qualified chartered accountant. I'm a lawyer as well and I'm a postgraduate in commerce. I'm also pursuing my PhD, but ठीक है. I am teaching since 2011. It's been 10 years. I've taught more than 20,000 students. DISA exam ke liye, I was the first student. Okay, I was the topper from Maharashtra. I teach economics. I teach CA inter mein enterprise information system and strategic management. In CS, I teach economics, business and commercial laws, securities laws, jurisprudence and general laws and company law. I have been producing toppers since May 2011 exam. और जो भी theoretical और difficult subjects होते हैं, उनको students को का favorite exam बनाना और उन subject को अच्छे marks में या scoring subject में convert करना, this is my expertise. आपको highly researched लेटेस्ट केस स्टडीज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है. यू विल बी बैम्बूजल्ड वॉचिंग दोज प्रेजेंटेशन. ओके, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका हर एक मिनट, इस क्लास का हर एक मिनट वैल्यू एडिशन वाला रहे, ठीक है. ऑल्सो ताकि मैं अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा रिसर्च कर सकूं, आई एम परसुइंग डॉक्टरेट एज वेल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट होते हैं उनको ईजी बना देना, ये मेरा एक्सपर्टीज है. हाल फिलहाल इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुम बन ही जाओगे, है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुम बन ही जाओगे, एम आई राइट? एक बात सुनो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है. हम लोगों से फाइनेंस के नॉलेज की उम्मीद होती है, हम लोगों से टैक्सेशन की नॉलेज की उम्मीद होती है, हम लोगों से मैनेजमेंट की नॉलेज की उम्मीद होती है, कॉस्टिंग की नॉलेज की उम्मीद होती है. अकाउंट्स और ऑडिट तो हमारे खून में होता है. ऐसे करो तो अकाउंट्स निकलता है, ऐसे करो तो ऑडिट निकलना चाहिए, इसकी उम्मीद होती है. बट कहीं जब इतने सारे मल्टी डिसिप्लिन्स का हमें नॉलेज होता है तो हम लोगों को एक एनालिस्ट माना जाता है. फिट करो दिमाग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो ए है, इट्स नॉट फॉर अकाउंटेंसी. अकाउंट्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ अ करिकुलम, बट गाइस, एनालिस्ट मेरा टारगेट, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखाने वाला हूं, मैं आपको इकोनॉमिक्स को लेके जो भी एक एनालिटिकल माइंडसेट बनना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी को लेके, बिजनेस इकोनॉमी को लेके, दैट इज माय टारगेट, कि मेरे स्टूडेंट्स एक अच्छे एनालिस्ट बने कंपनी के, और अगर जरूरत पड़े तो कंट्री के इकोनॉमिक्स को लेके. दैट्स माय टारगेट हियर, और ये टारगेट हम लोग अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5 चैप्टर्स. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, दैट्स द थर्ड चैप्टर, टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड देयर मीनिंग्स एंड बिजनेस साइकल्स. चैप्टर वाइज
आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. हम लोग हर चैप्टर के बाद एक छोटा सा टेस्ट के टाइप में कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि जो नॉलेज हमने बनाया है ऑल दीज डेज, उस नॉलेज को हम लोग हल्का सा टेस्ट भी कर पाए. सो गाइस, दैट्स आवर करिकुलम. एक और चीज, मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का जितना भी नॉलेज देने वाला हूं, परसेप्शन ये रहेगा कि आप सीए फाउंडेशन एग्जाम आसानी से क्रैक करें, और मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स सीए इंटर के लिए रेडी हो. सीए इंटर में इन सारे चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, सो गाइस, शैल वी स्टार्ट विद द करिकुलम. आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, देयर आर टू यूनिट्स, द इंट्रोडक्शन जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, एंड यूनिट टू के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स एंड ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट्स अ करिकुलम. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट वन, इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या आउटकम्स मिलने वाले हैं? एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो इस यूनिट को खत्म करके हमें इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझेगा, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, रिगर्स क्या है, और इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, ये समझ में आएगा. ठीक है, एक टेबल दिया है विच डिस्क्राइब्स द एंटायर चैप्टर इन शॉर्ट. इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं. द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू ग्रीक वर्ड. जैसे आपने देखा होगा, लॉ पढ़ते हो, कभी लॉ पढ़ा है थोड़ा थोड़ा? नहीं. अगर आपने ट्वेल्थ में कॉमर्स पढ़ा होगा या फिर ट्वेल्थ में आपने साइंस भी पढ़ा होगा, तो हर जो वर्ड इंग्लिश में लिखा होता है उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, या संस्कृत का ओरिजिन होता है. दीज वर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस. ओके, सो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउसहोल्ड. ठीक है, इसको थोड़ा इजिली प्रोनंसेबल वर्जन इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर दिया और इंग्लिश लैंग्वेज को एक नया वर्ड मिला. टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. ठीक है, इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया था, तो इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के नजरों से देखा जाता है. सो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? एक कंट्री के लिए, सिटीजन्स के लिए, जब गवर्नमेंट एक कंट्री के लिए सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट जब एक कलेक्टिव एक्शन लेगा, उसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो इकोनॉमी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ नेशन, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. लेकिन ठीक है एडम स्मिथ की एक बुक ने थोड़ी और भी चीजें हमें क्लैरिटी दी है. द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन 1776, यूजुअली एब्रिवेटेड एज द वेल्थ ऑफ द नेशन बाय एडम स्मिथ, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. एमसीक्यू के लिए गोल्ड है द वेल्थ ऑफ द नेशंस बुक. ये किसने ऑथर की है, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है. एक मार्क के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ये, क्योंकि ये सीधा सीधा लर्न करने वाला मैटर है. तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी पढ़ाई अच्छी फेज में, आप रेगुलरिटी से पढ़ रहे हो, तो आपने जो भी सेल्फ नोट्स बनाओगे 100 पेजेस की छोटी सी नोटबुक बनाओ इकोनॉमिक्स के लिए, बीसीके के लिए, और कोई ऐसे नाम जो आपको मैं बोला करूंगा क्लास में कि ये एमसीक्यू के लिए गोल्ड है, वो आपको नोट करके रखना है. जैसे द वेल्थ ऑफ द नेशन बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ, स्टीव स्मिथ, ठीक है, इयान स्मिथ, या फिर जेम्स रॉकवेल, ऐसे मल्टीपल नाम रहेंगे. यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. अब मुझे ये बात पता है कि सर इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी डोमेन नहीं है, ये तो लर्न करने वाली बात है, तो आपके 60 मार्क्स के पेपर में कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन
लर्न करने वाले मैटर में से आएंगे जो आपको थोड़े जहन में रखने हैं, आपको थोड़े याद रखने हैं. ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द बिजनेस, बिफोर वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अस टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इज अबाउट फॉर दिस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन. यानी इकोनॉमिक्स क्या है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया मैं. इट इज योर बर्थडे एंड योर मदर गिव्स यू ₹1000 एज अ बर्थडे गिफ्ट. You are free to spend the money as you like. What will you do? You have many options. Like you can give a party to your friends and spend the whole money of them. क्या हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन है? क्या हम पार्टी करेंगे बर्थडे के लिए? क्या कहते हो? पैंडमिक की सिचुएशन में तो नहीं, लेकिन क्या अदरवाइज हम करेंगे? क्या कहते हो? है ना? Yes, हम लोग अगर हमको 1000 rupees दिए हैं मम्मी ने, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे. अच्छा, हम लोग अगर मम्मी ने 1000 rupees दिए तो हम लोग वो पैसे हम लोग सेव कर लेंगे. ट्रू ऑफ फॉल्स? अगले बर्थडे के लिए यूज करेंगे. जी नहीं सर, हम खर्ची करेंगे. नाउ यू कैन गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स, यू कैन बाय योर सेल्फ अ ड्रेस फॉर ₹1000, यू कैन गो फॉर अ मूवी एंड ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस, एंड यू कैन बाय योर सेल्फ अ बुक एंड सेव द रेस्ट ऑफ द मनी. विल यू बाय अ बुक? क्या कहते हो? विल यू बाय अ बुक? पागल है क्या? इतना पढ़ने लिखने का शौक नहीं है मुझे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नाउ व्हाट यू नोटिस, यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू. गिवन द चॉइस, यू वुड लाइक टू स्पेंड नॉट ओनली विद योर फ्रेंड्स बट आल्सो वुड लाइक टू गो फॉर अ मूवी एंड ईट इन अ रेस्टोरेंट. यानी हम लोगों को बर्थडे पार्टी भी थ्रो करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और हम लोग रेस्टोरेंट में जाने की भी कोशिश करेंगे. और हो सकता है 1000 rupees में बात ना बने. क्या कहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 rupees में बात ना बने? जी ऐसा बिल्कुल हो सकता है. नाउ buy a dress and book and save money. However, you cannot have all of them at the same time. क्या चारों options हम लोग कर पाएंगे? Party भी करेंगे, dress भी खरीदेंगे, कपड़े भी खरीदेंगे, दोस्तों के साथ movie भी जाएंगे. It's not possible. However, you cannot have all of them at the same time. Why? Because you have only 1000 with you. Had your mother given you 2000, you might have been satisfied more of your desires. But she has not. मम्मी आपको ज्यादा पैसे नहीं देंगे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी. ऐसा नहीं होता है. Am I right? ऐसा नहीं होता है. आपको लिमिटेड फंड्स दिए जाएंगे, आपको लिमिटेड फंड्स दिए जाएंगे. बट शी हैज नॉट. नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डिलेमा. व्हाट डू यू मीन बाय डिलेमा? डिलेमा यानी क्या होता है? कंफ्यूजन. जी हां, कि क्या हमने सीए करना है या सीएस करना है, ये होता है डिलेमा. क्या मैंने अच्छी पढ़ाई करनी है या फिर प्रोफेशनल पढ़ाई करनी है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन करना है, ये है डिलेमा. क्या हमने सक्सेसफुल बनना है या हमने ऑर्डिनरी बनना है? क्या बनना है तुमने? कुछ डिसीजन में डिलेमा नहीं रहता है, कुछ डिसीजन में काफी सारा कंफ्यूजन होता है, डिलेमा होता है. Now you find yourself in a dilemma as to what above options you'll choose. You'll have to go for one option or a combination. What do? You evaluate the various alternatives and choose the one that gives you the greatest satisfaction. Similar dilemma is faced by every individual. Similar dilemma is faced by every individual, every society and every country. Life is like that. Do you agree? Kya hamari sari expectations puri hoti hai? Let's be honest. Yare, hamare parents ne hamare liye best kiya hai. Do you agree? हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बेस्ट किया, यानी जितना भी उनके पास रिसोर्स था उसमें से उन्होंने बेस्ट किया है. दिस इज व्हाट आई फील. क्या कहते हो? लेकिन क्या थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन आज भी है कि सर हर चीज पूरी नहीं होती? सर एम आई राइट? हर उम्मीद पूरी नहीं हो पाती. यानी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और कर सकते थे यार, ऐसा लगता है हमें. ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीदें कम, ठीक है ना, उम्मीद ही हो जाती है लाइफ में. बट गाइस मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सनल हमने ये टारगेट रखना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेशंस हमारे पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर पाए, सम ऑफ द अदर वेयर यू मेक इट श्योर दैट यू डोंट डिसअपॉइंट योर किड्स. क्या कहते हो? अच्छा टारगेट है. अगर तुमको थोड़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस होगी पेरेंट्स से और वो फुलफिल नहीं कर पाए, मेक इट श्योर that you become so much so successful ki hum kahin piche nahi reh jaye. Your kid should not blame you.
what you are blaming your parents for, if at all you are. All right. So be prepared for the worst. The worst is yet to come. Work hard. Next. So life is like that. Ye bahut important line hai yaar. Life is like that. Theek hai? Life is bad. Now, since we cannot have everything we want with the resources we have, we are forever forced to make choices. Hamesha choice karna hi padta hai yaar. Not we cannot have everything. Then, since we cannot have everything, we want resources we have, we are forced to make choices. Therefore, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. Do you agree? Do you agree on this? Yaar, kafi sari wants to yaar unsatisfied hi reh jati hai. Theek hai? पेरेंट्स ने हमारी नीड्स तो ऑलमोस्ट 100% फुलफिल कर दी है, लेकिन वॉन्ट्स इज समथिंग जो हमें और होती है और होती है और एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती ही जाती है. इसमें से विच वन इज अ वॉन्ट एंड विच वन इज अ नीड? लेफ्ट वाला. ओके okay. अच्छा एक मिनट. लेफ्ट वाला राइट वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है. ओरिजिनल एप्पल ये क्या है? और ये दूसरा एप्पल समझ नहीं आ रहा, ये कौन सा एप्पल है? हम लोगों को ये सब चाहिए, ठीक है. एयरपॉड्स भी चाहिए, ठीक है. हम लोगों को ये सब चाहिए, ये सब. अगर मैं हमारे इस एप्पल की बात करूं तो ये हमारे विटामिन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीड है हमारी, ठीक है. एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो दैट इज अ नीड, यानी सेहत अच्छी रखना. लेकिन ये इससे तो आंखें खराब होती है लिटरली, एम आई राइट? बट गाइस ये फिर भी चाहिए. ये क्या हो रहा है भगवान? ठीक है सर, दिस इज अ वॉन्ट, बिकॉज वॉन्ट हमेशा आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहोगे. सच्ची बता रहा हूं, तुम अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे कुछ दिनों में. सीए में आर्टिकलशिप होती है, करोगे क्या ज्वाइन? अब जब तुम आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे कुछ दिनों में, तो आपका अच्छा खासा स्टाइपेंड होगा, तब आप खुद ले पाओगे खुद के लिए आईपैड आईफोन, तब उसके बाद भी आपकी कुछ ना कुछ नई वांट लाइफ में आ जाएगी. चलो देखते हैं. सो these two fundamental facts, we have to choose only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. Aur kaisa tha ye hamesha hota hai hamare sath yaar. fifth standard mein jab humko bicycle first time mili thi, fifth standard mein ya fourth standard mein ya jab bhi, tab hum log us waqt bahut khush the, lekin jaise hi hum log 10th ya 12th qualify kar gaye, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई. ये क्या है? साइकिल क्या है यार? साइकिल कौन चलाता है यार? तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में तुम खुश थे और अचानक से अब तुम्हारी जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, और तुमको अब एक्टिवा चाहिए, डीओ चाहिए, सीबीआर चाहिए, बाइक चाहिए. अच्छा ये 11th 12th में हमारे ये फर्स्ट ईयर में सीए फाउंडेशन में हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ से. अब जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हमारी एक्सपेक्टेशन फिर से चेंज होगी. तुम कभी खुश नहीं रहोगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट तो कभी खुश नहीं रहता. सीए फाउंडेशन पास हो गया तो उसको सीए इंटर पास करना रहता. सीए इंटर पास हो गया तो अरे फाइनल करना पड़ेगा ना, सीए बनना है ना. ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट इज व्हाट डू यू वांट. अच्छा ये भी यहां ही भी रुकते नहीं हो तुम लोग, क्योंकि ये वांट है. अब सीए बनने के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद हम और भी उड़ना चाहते हैं. ठीक है, हम लोग हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं. द बॉटम लाइन इज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. नेक्स्ट लेवल की कोई कमी नहीं है. ठीक है, सो हम लोगों को वी हैव टू चूज टू सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ आवर वॉन्ट्स, लीविंग मेनी अदर वॉन्ट्स अनसेटिस्फाइड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ इज लाइक दैट.
तुमने सुना होगा अपने पेरेंट्स को कहते हुए, ये बहुत सारी चीजों को आपको सैक्रिफाइस करना होता है। बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस ही जिंदगी है। हमारे पेरेंट्स बहुत फिलोसोफर बन जाते काफी बार पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि वो लोग इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं, ठीक है। और हम लोग ये थ्योरी में पढ़ रहे हैं। अब कुछ वॉन्ट्स हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, कुछ वॉन्ट्स अनसेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट। ठीक, ओ माई गॉड, ये फिर से आ गया, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सो द टू फंडामेंटल फैक्ट्स, पहला, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, डू यू अग्री? ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वॉन्ट्स आर रिलेटिवली स्कार्स, ठीक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। लाइफ में पैसों की हमेशा ही कमी होती है, ट्रू ऑफ फॉल्स? अच्छा एक मिनट, तुमको पूछ लेते हैं, क्या पैसों की कमी है तुम्हारी जिंदगी में? बहुत अच्छा, ठीक है, तुम्हारे पास पैसों की कमी है, ठीक है। तुम्हारे मम्मी के पास तो बहुत पैसे होंगे, खूब सारे, नहीं? अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा तो कभी नहीं बोलते होंगे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पापा के पास तो होंगे पैसे? पापा भी नहीं बोल रहे, पापा भी ये डायलॉग मारते रहते हैं, बाबा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास पैसे होंगे बहुत सारे? नहीं, ए, हेलो, नहीं, कोई पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसों की कमी है। अच्छा ठीक है, मैं क्या कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के पास तो पैसे होंगे? नरेंद्र मोदी जी मित्रों, इधर आओ, इधर आओ, ठीक है, एक मिनट, क्या प्रधानमंत्री के पास पैसों की कमी होगी? सर प्रधानमंत्री के पास तो पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्यों बनाते हैं पीएम लोग, डोनेशन क्यों मांगते हैं पब्लिक से? लोगों के वेलफेयर से, लोगों से ही पैसे ले रहे हैं। तुम्हारे पास तो इतना पैसे है, तुम करो वेलफेयर। इसका मतलब मोदी जी के पास भी कहीं ना कहीं पैसों की कमी है। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी के तरफ से भी नहीं है, हम इकोनॉमिक्स के तरफ से, हम साइंस के तरफ से, आप समझ रहे हो? हम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना है। आप ये मत समझना सर एजेंडा दे रहे हैं, नो एजेंडा, हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम लोगों को इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मोदी जी के पास भी पैसों की कमी है, यानी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास भी पैसों की कमी होती है। इसका मतलब वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस रिलेटिवली स्केस, रिलेटिवली कम है। इसी कम रिसोर्सेस को मैनेज करना, इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। यही तो पढ़ना है, यही तो पढ़ना है, ठीक है। ये अंबानी के पास भी पैसों की कमी है यार, एक मिनट, किसी ने अंबानी लिखा है? अंबानी के पास भी पैसों की कमी है, यान कॉस्टेलो, अंबानी के पास भी पैसों की कमी है, नहीं तो फेसबुक से क्यों लेता वो पैसे? आप समझो, तुम सबने देखा है कि फेसबुक से पैसा उठाया गया है, एम आई राइट? इसका मतलब मुकेश भाई के पास भी है पैसों की कमी है। इकोनॉमी पैसों की कमी इसलिए तो लिया है ना, ठीक है। अब मैं, हाँ, बिल गेट्स के पास भी पैसों की कमी है, बिकॉज ही इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन, ही इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन। गाइस, सबके पास रिसोर्सेस की कमी होती है और कहीं ना कहीं आके वो पैसे रुक जाएंगे। अब कोई लोग कह रहे हैं कि जेफ बेजोस अमेजॉन, अब अमेजॉन के पास भी पैसों की कमी है क्योंकि अमेजॉन ने फंड रेज किया है, आईपीओ लाया था, इसका मतलब उसने पब्लिक से पैसा लेके कंपनी बनाई है। अब पब्लिक से पैसा क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उतने नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम सर, पैसे होते हैं हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन वॉन्ट्स फुलफिल, नहीं, नीड्स फुलफिल करने के लिए, वॉन्ट्स फुलफिल करने के लिए नहीं होते। क्योंकि हम तो बढ़ते ही जा रहे, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे। अच्छा, तुम लोग जो मर्सिडीज बेंज ले लोगे ना,
उसके बाद पता है तुम लोग क्या सोचोगे, क्या लेना है, क्या लेना है, चॉपर लेने की बातें करोगे, नेक्स्ट लेवल, बिकॉज द ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ये चॉपर खरीदने का टारगेट रखना चाहिए, क्या कहते हो, चॉपर खरीदेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं, मैं एकदम एकदम लालची बना रहा हूं तुम लोगों को, छी तक गंदा आदमी हूं यार मैं, छी 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 सॉरी. देन लेट्स नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट. चलो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे हेल्प करता है हमें. लेट्स नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज, यानी जो कम रिसोर्सेज है, allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in the society. यानी जितने भी limited resources हैं, उसको best तरीके से allocate करना, ये हमारा काम है, allocation. क्या हम लोग अपने resources अच्छे से allocate करते हैं, क्या कहते हो, क्या हम लोग अपने resources अच्छे से allocate करते हैं, एक मिनट discuss करते हैं. What is the most important resource for you as a CA Foundation student? CA Foundation. सबसे important. जो हम पास कर देते हैं. Time. सबसे important resource है time. और क्या time की हमेशा कमी होती है? Gym क्यों नहीं करते? Time ही नहीं है bro. एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? टाइम कहां है ब्रो. साइकिल क्यों नहीं चलाते? टाइम ना है ब्रो. एक मिनट, अब टाइम रिसोर्स है. अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स बराबर इकोनॉमिक्स के लिए एक घंटा निकालेंगे, 1 आवर डेली. बीसीके के लिए 30-40 मिनट्स निकालेंगे. मैथ्स के लिए अनंत काल निकालेंगे, सॉरी मैथ्स के लिए एक वन आवर मैथ्स के लिए निकालेंगे. क्या हो रहा है मैथ्स के साथ, सॉरी अकाउंट्स के लिए 1 आवर निकालेंगे. टाइम मैनेज करेंगे. गर्लफ्रेंड के लिए 30 मिनट्स निकालेंगे. अब समझ रहे हो. एलोकेशन, हम अपने समय को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं. या फिर दिन भर सो जाते हो कुत्ते जैसा, आऊ हा नहीं ना. हमारे पास अच्छे, अगर हम लोग 8 आवर्स सो जाते हैं और हम लोग 2 आवर्स कोर्स में बिता देते हैं, तो हमारे पास अभी भी 14 आवर्स बचते हैं. तो क्या हम लोग 14 आवर्स को परफेक्टली डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं? यही एलोकेशन ऑफ टाइम टू वेरियस वर्क्स इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. सर अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, कितने लोगों का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है हमारे क्लास में, दिखाओ चेहरे. कितने लोगों का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, रेज योर हैंड्स. वेरी गुड शिवम भरतिया, वेरी गुड शिवम गर्ग जी, वेरी गुड आशीष करमचंदानी, और सच ए नाइस स्टूडेंट, ऐसा मत बोलो आप. वैष्णवी वेरी नाइस, खुशबू सोनी, नो बैड टाइम मैनेजर, बिग टाइम, ऑल राइट ओके. संजना वेरी गुड, आयुषी वेरी गुड. अच्छा अच्छे टाइम मैनेजर है. अब कैसे है, ठीक है, जो लोग भी अच्छा टाइम मैनेज कर लेते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे. यही पढ़ना है हमको. और अगर आप अच्छा टाइम मैनेज करते हो तो हम अपनी पढ़ाई और स्टूडेंट लाइफ के अच्छे इकोनॉमिस्ट है. हम अपने, अगर हम अपना पढ़ाई का टाइम मैनेज कर लेते हैं तो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ के और चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई के अच्छे क्या है, इकोनॉमिस्ट. डन, क्लियर है, आगे बढ़े. परफेक्ट, मजा आ रहा. आर यू एंजॉइंग द क्लास? ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर एलोकेटेड टू द हाईएस्ट वैल्यूड वंस. अच्छा ये प्रायोरिटी करना बहुत जरूरी है क्या? टाइम तो हमारे पास 14 आवर्स ही है दिन में. प्रायोरिटी हम लोग किसको कहते हैं? टाइम तो लिमिटेड है. प्रायोरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी कौन? सबसे पहली प्रायोरिटी बताओ, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है?
सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है हमारी सर हम फॉरएवर सिंगल है फॉरएवर फॉरएवर विराट फॉरएवर सिंगल स्टडीज नंबर वन स्टडीज वेरी नाइस झूठे हो तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो भागो तुम यहां से दूसरे हमारे पेरेंट्स की सेवा सॉरी सॉरी सही कह रहा हूं ना पेरेंट्स की सेवा सही है ना और तीसरा खाना जब भी कुछ भी हो जाए फ्रिज खोल के देख रहे बार बार खाने वो तो नींद तो ले ली ना हमने 8 घंटे की उसके बाद जो 14 आवर्स बचे उसमें से स्टडीज पेरेंट्स फूड उसमें ऊपर ले आओ क्या फूड को हां सर 112 बार मैं फ्रिज खोलता हूं दिन में 112 बार फ्रिज खोलता हूं फिर उसमें फल्ली की सब्जी मिलती है फिर बंद कर देता हूं वापस चले जाता हूं वट एवर इट इज हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पढ़ाई को ठीक है रिलेशनशिप को पेरेंट्स की सेवा को घर के काम को वगैरह 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 और अगर आप इस टाइम को जस्टिस करते हो तो आप हो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट एज अ सीनियर स्टूडेंट किस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए बाय द वे एज अ सीए स्टूडेंट अगर तुमको लाइफ में ये टिक मारने का है चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला ये टिक मारना है तो सही चीज को प्रायोरिटाइज करो बिल्कुल आगे जाओगे चलो आगे बढ़ते हैं द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विथ नैरो फोकस ऑन यूजिंग अल्टरनेटिव स्केर्स रिसोर्सेज व्हाट डू यू मीन बाय स्केर्स सर रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं लाइफ में दो चीजों की डेफिनेट कमी है पैसों की और प्यार की ट्रू और फॉल्स बॉयज क्या कह रहे हो ठीक है पैसे भी नहीं है प्यार भी नहीं है जाने तो अब क्या बोले स्केर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है ये और फिर जो बचा है हमारे पास फ्री में जो मिलता है टाइम वो भी कम है एम आई राइट काफी लोगों को ऐसे दिल में आता होगा जब जब ना एग्जाम पास में आती है ना दिल में आता है एक महीना और मिल जाए रैंक लाएगा तेरा फैजल आता है क्या ऐसा दिल में जब 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 एक महीने पहला टाइम रहता है वो आया बहुत टाइम है देख लेगा तेरा गजोधर एक दिन मिल जाता ना एग्जैक्टली ठीक है तो वो लेकिन वो एक दिन चले जाने के बाद लगता है ऐसा पता नहीं क्यों होता है तो कोई बात नहीं दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद नैरो फोकस ऑन यूजिंग रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इट इज द डोमेन ऑफ मॉडर्न न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ठीक है इट इज द मॉडल ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम लोगों को यही समझना है हम लोगों को यही सीखना है कि जो भी लेटेस्ट चीजें हैं जो भी लेटेस्ट चीजें हैं हमें यह समझनी है कि ये स्केर्स रिसोर्सेस को हम लोग कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें यही हमने एज एन इकोनॉमिस्ट समझना है सीखना है डिस्पाइट बीइंग करेक्ट इट इज इनकम्प्लीट एज टू ब्रिंग इनटू अ माइंड द पिक्चर ऑफ सोसाइटी विथ फिक्स्ड रिसोर्सेस स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिसाइडिंग ऑन व्हाट स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट ऑट टू प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्सेज and how they ought to be distributed amongst the members of the society. However, the two most important concerns of modern economics are not fully covered in by this concept. On one hand, we find that productive capacity of modern economics has grown tremendously. क्या आज हम लोग अगर हम लोग थोड़ा पचास साल पीछे जाते हैं या फिर आप बचपन में देख लो क्या आपको इंडिया के रास्तों पे इतनी सारी कार्स नजर आती थी सोचो
Am I right? एक जमाना था लाल बहादुर शास्त्री, सुना है क्या आपने नाम? वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कार खरीदी थी फिएट, 5000 रुपए की थी वो, लोन पे खरीदी थी, लोन पे। भारत के प्रधानमंत्री ने, एक जमाना ऐसा था, आजकल क्या कार खरीदना या कार अवेलेबल हो जाना क्या आसान है? बहुत बेइंतहा आसान। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब अच्छी कार दिखती थी तो हम लोग ऐसे देखते थे, हमारे घर पे मारुति 800 थी, लेकिन जब अच्छी कार दिखती थी तो ऐसे देखते थे। आज कार्स आर नॉट अ बिग डील, एम आई राइट? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, आज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंडिया का, इंडिया की इकोनॉमी का बढ़ा है। ठीक है, आज तो हमारा स्टूडेंट भी पूरी जान लगा देता है यार पढ़ाई में, एम आई राइट? झूठे हो तुम लोग, झूठे, कुछ तो शर्म करो। यस सर, आगे बढ़ते पॉपुलेशन, वेरी नाइस। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्या होता है इंडिया में? तहलका होता है जी, तहलका। हमको अगर किसी चीज पे गर्व है तो किस पे है वो? वेरी नाइस। हमारा रैंक क्या पॉपुलेशन का? सबसे हाईएस्ट नहीं, सेकेंड हाईएस्ट है, बट ठीक है भाई, चाइना को भी हम लोग चंदू चाइना कर देंगे। चंदू इधर आ, हम लोग 2026 तक चाइना के आगे चले जाएंगे, हमारे पास बहुत प्रोडक्शन है। वेरी नाइस। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स हैव इंक्रीज्ड, न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल हैव बीन डिस्कवर्ड एंड न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन फार्म्स एंड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, द क्वालिटी हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड सब्सटेंशियली। क्या कहते हो? क्वालिटी इंप्रूव हो गया क्या हर चीज का? क्या कहते हो? हमारे फोन को देख लो, हमारे फोन्स को देख लो, क्या क्वालिटी इंप्रूव हो गया फोन्स का? पहले के जमाने में ऐसा फोन, फोन में बटन्स होती थी, नोकिया, और फोन अगर नीचे गिर जाए तो टाइल्स टूट जाती थी। एग्जैक्टली, नोकिया ही हमारा स्मार्टफोन हुआ करता था, लेकिन 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 आज क्वालिटी बेटर हुई है। मैं आपको एक मेरी सेल्फी अपलोड करूंगा, जब सेल्फी, जब फ्रंट कैमरा होता नहीं था ना, तब हम लोग ऐसा फोटो खींचते थे, ऐसा हम लोग ऐसे फोटो खींचते थे, इतने बर्बाद फोटो निकलते थे, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम टेल यू, क्या हर चीज की क्वालिटी इंप्रूव हुई है? व्हाट से? एवरीथिंग हैज इंप्रूव्ड। आप लोग देखो, क्या आपका इस वीडियो क्लास का परफॉर्मेंस, इस वीडियो क्लास का एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है आज? क्या कह रहे हो? थैंक्स टू टेक्नोलॉजी द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग हैज इंप्रूव्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी यार, छोड़ो टेक्नोलॉजी की। आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट पेज, बेटर एजुकेशन। ये है, ये फैक्टर है, बेटर एजुकेशन। हमारे जमाने में अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश बोल रहा है तो लड़का, तो इंग्लिश बोल रहा है तो लड़का, ठीक है, बड़ा अंग्रेजी छाड़ रहे हो तुम। है, और आजकल KG1 KG2 के बच्चे, एम आई राइट? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर हुआ है? Definitely, better education, newly acquired skills have raised the productivity of labor force and has led to the discovery of completely new kind of natural resources like shale gas. Shale gas in a natural gas. ठीक है, productive capacity हमारी बड़ी है, productive capacity बड़ी है, और better education के चलते हमने नई नई चीजें ढूंढी है। Shale gas, natural gas, new alternative sources of energy. आप देखना, हर घर के ऊपर आजकल क्या लगे होते हैं? छत के ऊपर ये पापड़ सूख रहा है, कौन बोल रहा है यार? हैं, हर छत पे तुम्हारे पापड़ सूख रहे, क्या खाने के अलावा कुछ सूझता है तुमको? सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और सोलर पैनल से क्या होता है सर? अच्छा होता है वो, इन्हें अच्छा, वो बैठने के लिए जगह होती है वो सोलर पैनल, हैं, प्रोड्यूस होती है। सो गाइस, वी आर जनरेटिंग, एब्जॉर्ब करती है वो सोलर
एनर्जी और वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी अब बढ़ते जा रहे हैं हर ऑलमोस्ट मेरे एरिया में। आपको मैं बताता हूं, ठीक है, मेरे घर पर भी है, मेरे बाजू वाले अंकल के घर पर भी है, उसके बाजू के बाजू वाले घर पे भी है, यानी ऑलमोस्ट हमारे यहां 20 बंगलोज है, 20 में से अराउंड 12 बंगलोज में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। फोटो भेजूंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ हाँ अभी नहीं, रुको, पढ़ाने दो, आगे बढ़ते। ऑन द अदर हैंड वी नो दैट रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज बीन स्मूथ, ठीक है, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है और इनकम, ठीक है, रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। ये इनकम का गड़बड़ है यार, इनकम नहीं बढ़ रही यार, एम आई राइट? ये थोड़ी इनकम बढ़ जावे तो मजा आ जावे, व्हाट से थोड़ा थोड़ा वहां दिक्कत हो जाती है हमें। देर हैव बीन पीरियड्स व्हेन आउटपुट नॉट ओनली फेल टू ग्रो बट ऑल्सो एक्चुअली डिक्लाइंड शार्पली। ये ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज वर्कर्स एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव रिमेन आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। ये जैसे अभी ये कोरोना के कारण ये कारवार का सेल कम हो गया था क्या? कम क्या हो गया था, बंद हो गया था, मरने पे आ गए थे कुछ कंपनीज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ चीजों को लेके काफी बार जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत आइडल होती है डिमांड, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज शुड बी इंक्रीज्ड विद द फैक्टर्स इन द पास्ट विच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इंडिया को छोड़ दो, क्या हमें खुद को ऐसा लगता है यार पता नहीं थोड़ी और एनर्जी आ जाती ना और पढ़ाई कर लेता मैं, एनर्जी ही नहीं बचती, मैं बैठे बैठे सो जाता हूं। सब मैं बताऊं सच्ची मैं जान लगा देता मैं पूरी, लेकिन एनर्जी एक समय के बाद बॉडी ऐसे जवाब नहीं देती, एम आई राइट? वेरी नाइस, ठीक है। हमारे पास इकोनॉमिस्ट हमारे बीच बैठे हैं यहां पे, संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं आज तक पे पैनल पे, तुमको जरूर लेंगे मोहतरमा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, थोड़ी एनर्जी और मिल जाती ना, मैं दावे के साथ कहता हूं हर कोई और 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ देता पढ़ाई में, एम आई राइट? दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। नाउ इन द डे टू डे इवेंट्स, तो कैसा ना, हर कोई चाहता है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। हाउ मेनी जनरली आप देखोगे जो अभी अगर जिनका मे एग्जाम है तो वो 2-3 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ेंगे दिन में, लेकिन सिंपल है, स्टार्ट विथ 2 आवर्स और जैसे जैसे एक एक महीना आगे गुजरता है आपका, वन इंक्रीज योर स्टडी टाइम बाय 1 आवर एवरी डे, 1 आवर 2 घंटे से स्टार्ट करो, नेक्स्ट मंथ 3 आवर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 4 आवर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 5 आवर्स, ग्रेजुअली पढ़ाओ। एग्जाम से एक महीने पहले तक 8-9 घंटे तक पहुंच जाओगे, 9 आवर्स काफी है रैंक लाने के लिए। Now, in day-to-day events, we come across several economic issues like changes in the price of the individual commodities as well as general price level, economic prosperity and higher standards of living of some countries despite poverty and poor standards of living in others and firms making extraordinary profits while others close down. Guys, kuch company paisa hi paisa bana rahi hai aur kuch company achha nahi kar rahi hai, aisa hota hai kya? जैसे कोरोना पीरियड में पैंडेमिक में, ठीक है यश गुप्ता तुम्हारे बाल अच्छे दिख रहे हैं तुम टेंशन मत लो, पैंडेमिक में दो भाई कौन थे, हमारा मोटा भाई और हमारा छोटा भाई, मुकेश और अनिल। मुकेश लैंडेड अप बिकमिंग द 4th richest पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड अनिल अंबानी ऑन द कंट्री was declared bankrupt. क्या एक ही बंदा, एक ही सिचुएशन, एक ही मां, लेकिन एक ही लेवल का पैसा एक टाइम पे, क्या दोनों के रिजल्ट्स अलग है? इकोनॉमिक्स एनालिस्ट उन्होंने यूज नहीं किया, एनालिसिस यूज नहीं किया, प्रोवेसनेस यूज नहीं की, एक्यूमेन यूज नहीं किया, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट ढंग के नहीं थे यार, एडवाइजर्स ढंग के नहीं थे, मैं बता रहा हूं तुमको। नाउ अब अगर सेम इकोनॉमी है, इंडिया और यूएस के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस है क्या?
एक 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 डॉलर कितने रुपए का मिलता है? हाँ, ऐसा लड़ो मत, एक एक रुपए के लड़ो मत गरीबों। सर 75 ऑन एन एवरेज। हाँ हाँ, वेरी नाइस, लड़ लो तुम अभी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या सर ये अमेरिका तो हमेशा से आगे था, अमेरिका तो हमेशा से आगे था हमसे, तो वो तो आगे रहेंगे। स्केयरसिटी की तो हमेशा कमी रहेगी, स्केयरसिटी की हमेशा कमी रहेगी, ठीक है, रिसोर्सेस की हमेशा कमी रहेगी, कभी किसी के पास। अब आप अपने रिसोर्सेस को कितना अच्छा मैनेज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, सर ये तो हमेशा से ही रईस थे, गलत बात, गलत बात। वन डॉलर वॉज इक्वल टू वन रूपी इन 1947, तो ये हमेशा कैसे आगे थे हमसे, इसका मतलब है हमेशा आगे नहीं थे। छोड़ो, वन रूपी वॉज इक्वल टू $50 इन 1901, तो ये क्या खाक हमसे हमेशा आगे थे? नहीं, हमसे आगे थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेस को अच्छा मैनेज किया है, ये डिफरेंस है इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है, इकोनॉमी में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हमारे पास तो पॉपुलेशन बल्कि ज्यादा है, हमारा हमने तो और अच्छा करना चाहिए यूएस के मुकाबले, लेकिन उनकी पॉलिसीज हमसे बेटर है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मरमर वाला नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत, जाने दो ना। एंड सम फर्म्स मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, दीज आर फंडामेंटल मैटर्स कनेक्टेड विद इकोनॉमिक एनालिसिस, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स will enable us to develop an analytical approach to help us in understanding and analyzing wide range of economic issues. It will also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in different situations. The tool of economics assists in choosing the best course of action from amongst different alternative action to the decision maker. However, it is necessary to remember that most of the economic problems are complex in nature and are affected by several factors. Guys, koi ek cheez mein, theek hai? कोई एक चीज के कारण कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कौन सी कंट्रीज है, ये कौन सी कंट्रीज, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इट्स स्विट्जरलैंड, स्विस, हाँ स्विट्जरलैंड बेटा, वेरी नाइस, हाँ स्विट्जरलैंड, यस करेक्ट। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा टूल है जो बेस्ट कोर्सेस ऑफ एक्शन को पहुंचने में, डिसाइड करने में मदद करेगा। वी हैव टू फाइंड द बेस्ट वे आउट, क्या कहते हो, हर चीज में जो भी मल्टीपल ऑप्शन है उसमें से बेस्ट चूज करना चाहिए या वर्स्ट चूज करना चाहिए? बेस्ट, वेरी नाइस। नाउ the tools of economics assist in choosing the best course of action from amongst different alternative courses of action available in decision maker. However, it's necessary to remember that most economic problems are complex and are affected by several factors, some of which are rooted in economics and other in political setup, social norms, etc. अब हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, जयेश गुप्ता ध्यान दो, हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, कोरोना कोरोना चल रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। हम कहते हैं कि पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, तुमने पढ़ना चाहिए, तुमने मरना चाहिए। टीचर को क्या है, टीचर मुंह फाड़ के खोल देता है अपना और वो बक देता है कुछ भी उसके मन में, 6 घंटे पढ़ो, ते 6 घंटे का भी तूने पढ़ा साले, एक मिनट, क्या एज अ स्टूडेंट हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है? टीचर तो आके बक देता है, हाँ 6 घंटे पढ़ लेना, 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए बेटा, तो कैसे होगा? लेकिन क्या हमारी भी कुछ कॉम्प्लेक्स, एज एन इंडिविजुअल क्या हमारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स है? अब इकोनॉमिक्स को एज अ कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या आसान होगा? हां सर, जीडीपी पढ़ाओ, बढ़िया हो जाएगा सब, ऐसा नहीं होता। इट इज सो मेनी फैक्टर्स टुगेदर। एज अ स्टूडेंट हमारी लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है यार,
क्या क्या झेलना पड़ रहा है यार लाइफ में, पढ़ाई की प्रॉब्लम, हाँ पड़ोस वाले को कोरोना पॉजिटिव है, घर में पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है छोटा भाई बीमार रहता वगैरह वगैरह, छोटा भाई पढ़ता नहीं है, बिल्कुल गधा है वो, इतनी टेंशन है, ये है वो, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है वगैरह वगैरह, सो मेनी इश्यूज। अगर फिर अगर घर पे सब ठीक है तो लोग गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, फिर उसके अलग इश्यूज, देर आर मल्टी, इन्हें उड़ता तीर हम ले लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी एप्रोप्रिएटली टैकल्ड, बट विदाउट डाउट इट वुड एनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। गाइस यानी इकोनॉमिक्स पढ़ लो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स पढ़ लो प्रॉब्लम सॉल्व, फिर तो सभी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एक नजरिया देगा, आपको एक पर्सपेक्टिव दिया जाएगा, आपको एक पर्सपेक्टिव दिया जाएगा कि यस हाउ टू गो हेड विथ दिस। ओके, बट विदाउट डाउट इट विल एनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव एंड वुड हेल्प इन डिस्कवरिंग सुटेबल मेजर्स टू डील विद द सेम। सो गाइस मल्टीपल इश्यूज रहेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना देयर विल ऑलवेज बी अ सोल्यूशन। इश्यूज तो रहेंगे लेकिन हमेशा सोल्यूशन रहेंगे। हमारा ही कंट्री है, हमारा ही सिचुएशन है, इंडिया के ही रिसोर्सेज है। मुकेश अंबानी आगे बढ़ रहा है, अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो रहा है, एक बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, पैंडेमिक में सब चिल्ला रहे, जेफ बेजोस ने अपना इनकम 50 बिलियन से बढ़ाया है, वही कुछ इंडियन कंपनीज कुछ ऑस्ट्रेलियन कंपनीज बैंकरप्टसी के लिए फाइल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड आप कितना अच्छा सिचुएशनल एनालिसिस करते हो और अपने रिसोर्स अपने स्केर्स रिसोर्स को कितना सही तरीके से मैनेज करते हो, दैट टेल्स एवरीथिंग अबाउट हाउ योर कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म इन लॉन्ग रन। हर चीज लॉन्ग रन का खेल है, क्या कहते हो? कोई भी चीज शॉर्ट टर्म नहीं होती, हर चीज लॉन्ग टर्म होती है। यस सुनो, मैंने तुमको पहले ही बताया है हम लोग किस लेवल पे है, और हम जो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? फाउंडेशन पास होने के लिए। फाउंडेशन ही पास होना मेरा यही लक्ष्य है मेरा। गलत गलत बात, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपके लिए बेस क्रिएट कर रहा हूं सीए इंटर की क्लासेस आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि जब सीए इंटर में स्टूडेंट जाता है तो उससे एक उम्मीद की जाती है कि इसे इतना तो आता ही होगा। हर छोटी छोटी चीज पढ़ाएंगे तो सीए इंटर का कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। और सीए बनना, सीए फाउंडेशन में एडमिशन करना और सीए बनना, ये एक एग्जाम दो एग्जाम सीए जी नहीं, ये सब कुछ द गेम इज ऑफ लॉन्ग टर्म, द गेम इज ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ जा रही है, थोड़ी बहुत इश्यूज भी अगर आपको चल रहा है, तो मेरी बात सुनिए, कीप वर्किंग परसिस्टेंटली, यू विल स्टिल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू विल स्टिल बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग टर्म। लूडो गेम खेलते हो? लूडो आजकल तो सभी खेल रहे हैं। फिर से क्या ऐसा होता है, जो बंदे की पहली पहले 20 बारियों में डाइस में एक भी बार 6 नहीं आया, क्या वो जीत सकता है? यू नेवर नो वाला सिचुएशन होता है बॉस, क्योंकि क्योंकि चीजें लॉन्ग टर्म में समझनी होती है। काफी बार एक दिन पढ़ाई कम होगी, काफी बार एक दिन पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको प्लान हफ्तों का बनाना है, आपको प्लान थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ले जाना है, एकदम एक दिन से कोई जज आप नहीं करोगे। ऑलराइट, हाल फिलहाल ठीक है जो सिचुएशन है, मैं आपको यही कहूंगा कि बस आप खुद का ख्याल रखिए और इस सिचुएशन से बचिए। आपको कोविड से बचना है फिलहाल, और जितना हो सके केयर करने के बाद जितना समय मिले सीए फाउंडेशन की अच्छी पढ़ाई के लिए आपको निकालना है। ऑलराइट,
क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे बहुत उम्मीद होती है। हम लोग एक मल्टी स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के शुरुआत में, हमसे फाइनेंस का एक्सपर्ट माना जाता है, हमको अकाउंट्स का एक्सपर्ट माना जाता है, हमको मैनेजमेंट का बंदा माना जाता है, हमको कॉस्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता है, हमको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट बंदा, हमको इकोनॉमिस्ट माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ मल्टी टास्कर, रिमेंबर। हम लोग बहुत काम की रिसोर्स है, इसलिए महंगे भी होते हैं रिसोर्स। Am I right? Yes, sir. All right. So, guys, that was the introductory part of nature and scope of economics. As far as business economics lecture is concerned for today, guys, we are calling it today. This is Pawan Gaukar signing off from today's lecture. See you in the next video. See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Study well. See you again. Bye-bye.